नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आज के पैनलिस्ट सुमित सर, बाबा विचित्र सर और महेंद्र सर, आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश मदरसे एक्ट को लेकर जो हाई कोर्ट का आदेश था उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हाई कोर्ट ने इस फैसले को पढ़ा था जो कि धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है वो गलत है, तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को अब रद्द कर दिया है। इसका मायने ये है कि अब उत्तर प्रदेश में मदरसे अब चलते रहेंगे जैसा पहले चल रहा था। बताया जा रहा है कि करीब 100 साल से पुराने ये मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं जो चल रहे हैं। इससे 16,000 मदरसों में करीब 17 लाख बच्चों को रिलीफ मिलेगा जो फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन इसके पीछे की एक पॉलिटिक्स है कि पॉलिटिक्स ये है कि भाजपा मदरसे को लेकर काफ़ी एग्रेसिव रहती है। एक मुस्लिम का जो एजेंडा है उसका उसमें मदरसा उसका प्रायोरिटी शब्द रहता है, प्रायोरिटी विषय रहता है। चाहे हेमंत विश्व शर्मा को अभी ले लीजिए। हेमंत विश्व शर्मा जब कर्नाटक में प्रचार कर रहे थे पिछली बार, तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपने राज्य में 600 मदरसे बंद किए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे मदरसों को बंद कर दूँगा। तो वहाँ इसलिए मदरसे क्योंकि वो सरकारी अनुदान पे चलते हैं, जैसा उत्तर प्रदेश में भी सरकार अनुदान देती है मदरसों को चलाने के लिए। तो आज का विषय हम लोग बात ये करने वाले कि इसके पीछे के पॉलिटिक्स क्या है, क्या इससे उत्तर प्रदेश में और जो प्रदेश भर में जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है मुस्लिम के खिलाफ या मुस्लिमों को लेकर, इस मदरसे पॉलिटिक्स वो पलटेगा या उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा इस गठबंधन इस फैसले से। सुमित सर, क्या अगर हम इस फैसले को रीड करें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत एक तरफा फैसला या बहुत लैंडमार्क फैसला है, क्योंकि उसको उन्होंने अभी स्टे ही किया है। बाकी जो काम करना है वो राज्य सरकार को करना है। हालांकि राज्य सरकार ने उसमें एक बात कही कि वो चाहते नहीं कि इस मामले में, क्योंकि सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट ने फैसला रद्द किया मतलब, और हमने उस बात को स्वीकार कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। और वो सरकार ने ये कहा कि हम नहीं चाहते कि इस मामले पे और जो फीस होती है कानूनी फीस वो खर्च भी करना चाहते हैं। आपको लगता है कि चाहती थी सरकार, भले उसने सुप्रीम कोर्ट में उसका खिलाफत नहीं किया, लेकिन सरकार मनी मन ये चाहती थी कि भाई चलो फैसला तो आया, ठीक है, इससे कम से कम जो मदरसा बंद करने की जो मुहिम है इसी बहाने हाईकोर्ट के फैसले से ही मुहिम वो चलती रहेगी। सबसे पहले हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज, हाँ, हम कुछ तैयारी कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि न्यू दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे इस बार। इन्होंने कहा क्या कि आप बेगूसराय जाइए आप क्या तैयारी करके आए हैं? इससे तो बहुत घपला हो गया। इसीलिए आप क्या तैयारी करके आ गए? इसीलिए हम लोग जो शुरू में बहुत सारा जोक नहीं चलता है क्या कि हम एग्जाम से पहले ऐसे लटके आए, वही हम किए। अभी एक ऐसे लटके आए थे, अचानक वो टॉपिक आ गया माँ पे लिखना है। सर देखिए, न्यूज़ की इंडस्ट्री में आप हैं, 24 घंटे न्यूज़ बदलती रहती है, आपको हर चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा। हरफन मौलाओं का ज़माना है। टॉपिक क्या तैयार किए थे ये तो बता नहीं रहे हैं। ये नई दिल्ली से लड़ने की बात कर रहे हैं, बांसुरी स्वराज की नींद उड़ जाएगी सर अगर आप लड़ जाएंगे तो। खैर जोक्स अपार्ट, पहले मैं बता देता हूँ हम लोग तैयारी कर रहे थे कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बातचीत करेंगे, इसीलिए शायद मयंक जी ने ये ऐसा कहा। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो ये पंचायत ने तय किया कि इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे तो सुबह से चर्चा चली रही है, बहुत सी चीज़ें हो गई, वो सुबह हो गई थी एक्चुअली, बहुत पहले हो गई, हाँ, इसलिए। और कोई बात टेस्ट है जी, तो सबके लिए पेपर बदला है सर, सबके सबकी तैयारी शून्य जैसी है। आपके लिए बाउंसर हो सकती है। आप दो तीन चीज़ें अश्विन जो आपने कहा, पहली बात कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं फैक्चुअली, जो शायद आपकी जल्दबाजी बोलने के चक्कर में कंफ्यूजिंग हो गई हैं वो बातें। 2004 में मुलायम सिंह की सरकार थी, यूपी मदरसा एक्ट बनाती है, वो यूपी के जितने मदरसे होते हैं उसके अंडर में आ जाते हैं। उन मदरसों के अंदर बच्चों की पढ़ाई का, शिक्षा दीक्षा, खान पान का खर्चा यूपी सरकार देती है, जिसका लाखों करोड़ों का बजट होगा। मेरे पास वो नंबर नहीं है। इस चीज़ को यूपी सरकार ने, इस योगी सरकार ने बंद कर दिया, ये कहते हुए कि मदरसों में बहुत सारी गैर कानूनी गतिविधियां होती हैं, टेरर फंडिंग के इल्ज़ाम लगे। और ख़ासकर ये बात सच्चाई भी है, इनफैक्ट सच्चाई इन द सेंस कि कई सारी इन्वेस्टिगेशंस में आया कि यूपी नेपाल बॉर्डर पे जो सीमावर्ती इलाके हैं जहाँ पर बहुत तेज़ी से मदरसे पनपे हैं बीते कुछ सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में, श्रावस्ती, महाराजगंज, मैं कह सकता हूँ कि हर एक ज़िले के अंदर 500-700 मदरसे हो गए हैं और बहुत तेज़ी से आप जब जाओ तो तब एक नया मदरसा दिखता है। तो कहाँ से मदरसे खुल रहे हैं नहीं पता। तो यूपी सरकार ने ये कहा, योगी सरकार ने, कि इन मदरसों के ज़रिए गलत पैसा देश में आ रहा है, इनमें आतंकवादियों के पनाहगार बनते जा रहे हैं, लोगों को ढूंढने में दिक्कत होती है। और उस बिना पर उन्होंने उस पर रोक लगा दी कि मदरसे जो है, मदरसे में पढ़ाई होगी नहीं, मदरसे सारे बंद, अब जितने बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं सब सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। ये हुआ। इस फैसले को जो शिक्षक काम करते थे उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, यूपी सरकार के फैसले को। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वहाँ पर यूपी सरकार के फैसले को सही मानते हुए कहा कि ये धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ ये फैसला था, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। ये सिर्फ मदरसों और मुसलमानों को एक्स्ट्रा प्रिविलेज इस कानून के तहत मिलता है, ये कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। उस फैसले के दौरान यूपी सरकार ने वहाँ पर आप कह सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की पैरवी के दौरान अपना स्टैंड बदल लिया था, है ना। वहाँ स्टैंड बदल लिया था, वहाँ पे वो विरोध में थे क्योंकि वो सरकार आई थी ना, सरकार के खिलाफ फैसला था। अब ये अलग अलग मामला है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्टे लगा दिया है, रद्द नहीं हुआ है। हाँ, इन्होंने रद्द बोल दिया था, इसीलिए मैं क्लैरिटी कर रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल स्टे हुआ है और ये स्टे जून तक का है। मई 31 की शायद डेट दी गई है यूपी सरकार को, केंद्र सरकार को और यूपी मदरसा बोर्ड को कि नोटिस का जवाब दीजिए। जवाब मिलने के बाद जुलाई में जब छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, चीफ जस्टिस की बेंच है ये, तो इस पर सुनवाई हो सकती है। लेकिन तब तक जितने मदरसों पे ये आशंका के बादल थे, जब आपने संख्या बताई कि 17 लाख बच्चे हैं, 16,000 मदरसे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, तो इनके लिए राहत है। चुनाव, ये परीक्षाओं का वक्त भी है, परीक्षाएं हो रही हैं। एक और बड़ी बात है, ये 16,000 मदरसे और 17 लाख बच्चे नहीं हैं, 10 से 12 हज़ार शिक्षक पढ़ाते हैं, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, उनके परिवारों का क्या होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, बिल्डिंगें हैं, उन बिल्डिंगों का क्या होगा। सरकार के ऑर्डर में तमाम क्लैरिटी नहीं थी, तो इसीलिए आज जब सुप्रीम कोर्ट में पैरवी हुई तो चीफ जस्टिस ने बार बार इस बात को कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट पर कमेंट करते हुए, कि धर्मनिरपेक्षता के हनन तो ऐसे हो रहा है कि आप उसको एक तरफा फैसला मान के चल रहे हैं, तो फॉर द टाइम बिंग इसको स्टे किया जाए। अब ये तो ही जो चीज़ें फैक्चुअल थी, लेकिन एक चीज़ जो आपने सियासी तौर पर बात की, बीजेपी जो करती है मदरसे को राजनीति करती है, देखिए बीजेपी का जो पोलिंग एजेंडा है वो सबको पता है, वो किसी से छुपा नहीं है, वो छुप के नहीं करती है। बीजेपी अगर कहती है कि मंदिर बनाना है तो मंदिर बनाना है, बीजेपी अगर कहती है मदरसों में आतंकवादी पलते हैं तो आज मदरसों पे वो कार्रवाई कर देती है। बीजेपी को छुप के काम नहीं कर रही थी। सवाल ये था कि सरकार के करने का तरीका जायज़ था या नाजायज़ था। कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ जिसमें ये साबित होता हो कि मदरसों में गैरकानूनी गतिविधि होती है, कोई किसी चीज़ की रूलिंग हुई, अगर आपके पास है भी कोई इन्वेस्टिगेशन आपकी यूपी पुलिस का या यूपी की एजेंसीज़ का, तो उनके आपने ये क्यों नहीं सोचा कि जो 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं उनका क्या होगा, जो 17,000 शिक्षक हैं उनके, जो 12,000 शिक्षक हैं उनका क्या होगा। ये तमाम ऐसे सवाल थे जिस पर यूपी सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे थे कि इस पर क्या होगा। उसको क्लैरिटी आने तक के लिए, जो कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, बीजेपी की बात की, असम में विश्वकर्मा साहब क्या कर रहे हैं, यही तो करते हैं। यूपी में जब भी फॉर एग्जांपल ममता बनर्जी अगर वहाँ मौलवियों को मदरसे के लिए तनख्वाहें देती हैं, पैसा देती हैं, वेतन देती हैं, तो उस पर बीजेपी आपत्ति करती है, उसके खिलाफ हाईकोर्ट चली जाती है कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में। तो बीजेपी की तो लाइन बड़ी क्लियर है कि हम इसकी मुखालफत करेंगे कि एक को नहीं मिलना चाहिए, मिले तो सबको मिले। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है जो आपको पूछना चाहिए अश्विन, कि सरस्वती शिशु मंदिर में क्या किस तरह की पढ़ाई होती है, दयानंद के स्कूल कॉलेजेस में किस तरह की पढ़ाई होती है, क्रिश्चियन मिशनरीज स्कूल में किस तरह की पढ़ाई होती है, क्या इनको भी सरकारी एड्स मिलती हैं, क्या वहाँ पर भी धर्म की शिक्षाएं पढ़ाई जाती हैं, अगर पढ़ाई जाती हैं तो धार्मिक शिक्षा फिर मदरसों में क्यों नहीं हो सकती, कुरान की पढ़ाई वहाँ क्यों नहीं हो सकती। इस सवाल को रेस करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सुमित ने बड़े अच्छे से समझाया। कुछ डाटा है कि यूपी में कितने मदरसे हैं, करीब 25,000 मदरसे हैं यूपी में, और जबकि जो जिसमें से 16,500, यदि पूरा नंबर कहूँ तो 16,461 मदरसे जो है रजिस्टर्ड है, जिसमें से कि 560 को सरकार अनुदान भी देती रही। ये हो गया। लाखों बच्चे हैं, हज़ारों की बात नहीं हो रही, और हज़ारों में शिक्षक हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि अच्छा, इसमें से जो मदरसों हैं, इसमें जो 8,500 मदरसे हैं ना, वो अनरिकोगनाइज हैं। हाँ, जो तराई के इलाके, बॉर्डर के इलाके की बात हुई है, और ये मदरसा बोर्ड बनाया था। और ये उसके बाद यूपी सरकार ने 2004 में संस्कृत शिक्षा बोर्ड भी बनाया है। अब देखते हैं कितना बच्चा संस्कृत में पढ़ता है नहीं पढ़ता है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। और ये जो मदरसा बना था वो संविधान ने अधिकार दिया है, उसके आधार पर बनाया था, कोई ऐसे नहीं कि मदरसा बना सकते। लेकिन मेरा ये कहना है कि इतना नंबर तो है हमारे पास कि 25,000 मदरसे हैं, लेकिन हमारे पास वो नंबर नहीं है, वो गली मोहल्ले में जो स्कूल खुले हुए उसका नंबर नहीं है। ये सब आखिर हम एंड ऑफ द डे बात शिक्षा की ही आ जाती है, चाहे मदरसा में पढ़ रहा। और दूसरी बात एक और है, जैसे असम में बात हुआ कि 600 मदरसे बंद कर दिए, 2020 में कानून लाया गया, 2,000-2,500 मदरसों का नाम बदल करके जो है उन्होंने कर दिया कि मध्य अंग्रेजी स्कूल, वो आसाम में कर दिया। और आसाम का जब ड्रॉप आउट आप देखेंगे ना, गर्ल चाइल्ड का ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा है। देश में लिटरेसी है 62% और आसाम में जो मुस्लिम पॉपुलेशन 10वीं पास करने वाला केवल 3% है, समझ गए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये शिक्षा मिलेगी कैसे। इस पर हम बाद में डिबेट कर सकते हैं कि किस तरह की शिक्षा आप दे रहे हो। बहुत सारे मदरसे में लोग कहता है कि मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जाता है, मैंने पढ़ाया जाता है, कुरान भी पढ़ाया जाता है, जैसा कि एक परसेप्शन है वो भी पढ़ाया जाता होगा। लेकिन बात इस डिबेट पे होनी चाहिए, शिक्षा पे डिबेट होनी चाहिए और इसके पीछे मोटिव्स पे डिबेट होना चाहिए। ये जो हाई कोर्ट का फैसला है, ये पिछले महीने का फैसला है, कोई पुराना फैसला नहीं, अभी का फैसला है। और वहाँ पर उसके बाद अब इसका राजनीतिकरण कैसे होगा, क्या जो चुनाव के वक्त ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसको राजनीति के चश्मे से आप कैसे देखते हैं, ये किसको बेनिफिट करेगा? क्या आपको लगता है कि इससे जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो लामबंद होगा, लामबंद होकर किसी एक पार्टी की तरफ जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों की बात करें तो अभी एक जो कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है कि सपा को जाएगा या बीएसपी को जाएगा, ये किस ओर जाएगा, इकट्ठे होकर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये इस बात पर हमें जरूर चर्चा करनी है। एक चीज़ और बोलूँ मैं, बस छोटी सी चीज़, बीजेपी के ऑफिशियल यूपी सरकार के मंत्री दानिश रजा का रिएक्शन आया है, बहुत छोटा सा रिएक्शन है, और उसमें वो ये कहते हैं कि हमको जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, आज जो स्टे हुआ उसका हम स्टडी करेंगे, हम देखेंगे क्या है, और मदरसा पर हमारी सरकार कभी खिलाफ में नहीं रही है, मदरसों पर हम काम करना चाहते हैं, अच्छे एजुकेशन देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मदरसों को और अच्छा किया जाए, उसमें जो भी अच्छा कदम होगा, जो भी सरकार करना चाहेगी मुख्यमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से हम करेंगे। ये दानिश रजा जो कि यूपी के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री हैं, उनका बयान आया है। माइक है आपके पास। तो अश्विन कोई सवाल है या फिर मुझे यूं ही सवाल ये है ना कि इसका राजनीतिक फॉल आउट आप क्या देखते हैं? बाबा ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि पहले तो हमें ये सोचना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, रोजी रोटी का सवाल, बच्चों के शिक्षा का सवाल अपनी जगह है, शिक्षा भी मौलिक सवाल है और रोजी रोटी भी एक मौलिक सवाल है, लेकिन उससे बड़ा धर्मनिरपेक्षता का सवाल है। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता सिर्फ ये नहीं है कि हम धर्म के प्रति उदासीन हो जाएं, धर्मनिरपेक्षता का आशय जो हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर संविधान बनाने और उसके बाद से जो बाद में उस पर राजनीति हुई, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो ये थी कि हम कितना सभ्य हो रहे हैं। हमारे सभ्य होने की परख है संवेदनशीलता, हमारे संवेदनशील होने की भी परख है धर्मनिरपेक्षता। तो इस दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट ने हम सबको, एक सरकार की बात नहीं है, पूरे देश को आईना दिखाया है कि क्या हम संवेदनशील हैं, क्योंकि उसने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो धर्मनिरपेक्षता के प्रतिकूल है। एक तो ये बात हुई। तो अब दूसरी बात आती है कि क्या मदरसों से जो मदरसों को जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब अपना फैसला दिया तो उसने कहा कि जो फैसला एक्ट बनाने का था वो धर्मनिरपेक्षता के प्रतिकूल था। सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे लगाया इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला धर्मनिरपेक्षता के प्रतिकूल था। बिल्कुल आप ये कंट्राडिक्शन है, चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल ये कंट्राडिक्शन है। लेकिन इससे ज़्यादा मदरसों का इतिहास बहुत पुराना है, कोई आज का नहीं है, ये 700-800 वर्षों का है। और जो इसका इतिहास है उसमें यह है कि मुग़ल काल में तो वहाँ सिर्फ कुरान की आयतें नहीं पढ़ाई जाती थीं, वहाँ गणित, खगोल, भूगोल ये सब चीज़ें भी पढ़ाई जाती थीं, जितनी उस समय की तकनीक की पढ़ाई हो सकती थी या उन विषयों की पढ़ाई हो सकती थी जो हम समाज को विकास की तरफ ले जा सकें, वो सब पढ़ाई भी होती थी। मुशीरुल हक एक बड़े विद्वान थे, मैंने कहीं पढ़ा, अभी आपने कहा तो उसके बाद कि जब 1950 में हमें आज हम संविधान बनाए थे उस समय देश में 88 मदरसे थे। आज देश में रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड करीब 5 लाख मदरसे हैं। उत्तर प्रदेश में ही 16,000 कुछ तो रजिस्टर्ड हैं, 25,000 सब जोड़ करके नॉन रजिस्टर्ड भी हैं। तो ये 5 लाख मदरसों का आना ये हमारे धर्मनिरपेक्षता के अनुकूल नहीं है। आप कह सकते हैं कि गुरुकुल भी चलते हैं, जैसा सुमित जी ने कहा मिशनरी स्कूल भी चलते हैं, तो क्या एक गड़बड़ी का जवाब दूसरी गड़बड़ी ही होगी? ये एक सवाल है, क्योंकि सबने धर्मनिरपेक्षता को चोट पहुंचाई है एक दूसरे पर लांछन लगाकर या दूसरे की कमियों को सामने करके या दूसरे से अपनी लकीर बड़ी करके नहीं, दूसरे की लकीर छोटी करने की कोशिश करके। चुनाव में इसका क्या फ़ायदा घाटा होगा? एक बात हमेशा याद रखिए कि पहले जब चुनाव होते थे और आज के चुनाव में क्या फ़र्क है। पहले चुनाव में जाति प्लस धर्म, मुसलमान जो वोट था वो एक किस्म से जाति, एक वो धर्म भले अलग था लेकिन वो भी एक किस्म की जाति की थी जिसका फ़ायदा कांग्रेस को या सेकुलर दलों को के साथ हो जाता था। प्लस बाकी धर्मनिरपेक्ष दल जो अपने को बताते हैं, धर्मनिरपेक्षता कितनी है नहीं है ये अलग विषय है, उन पार्टियों में उनकी अपने जातियों के वोट होते थे। लेकिन बीजेपी ने जब अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी के दौर से शुरू होकर के मोदी अमित शाह के दौर तक, योगी आदित्यनाथ के दौर तक, बीजेपी ने उस हिंदुत्व के अम्ब्रेला को ज़्यादा बड़ा कर दिया। जो फ्लोटिंग वोट थे वो भी ज़्यादातर बीजेपी की तरफ जाने लगे। तो ऐसी स्थिति में अगर ध्रुवीकरण की स्थिति बनेगी वोट के नाम पर तो इसका बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। कैसे हो सकता है कि हमको आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता वाली बात को, आज सेकुलर को आप सोशल मीडिया पर देखिए कई जगह अक्सर सेक्युलर कहा जाता है, उसको बीमारी बताई जाती है। लोग भूल जाते हैं कि ये सेकुलर शब्द अनायास नहीं निकला है या धर्मनिरपेक्षता अनायास नहीं आया है, हमारे पूर्वजों की कुर्बानी से निकला है, सबने मिल करके सामूहिक लड़ाई लड़ी थी उससे निकला है। तो इसीलिए जिस धर्मनिरपेक्षता को लेकर के हम लोग यहाँ पर खुश हो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आईना दिखाया, इस पर प्रतिक्रिया ये होगी किस बात की धर्मनिरपेक्षता है। और जब मुस्लिम वोट के पोलराइजेशन की बात करेंगे तो आज उससे तीव्र रफ्तार से, तीव्र नहीं तो बराबर तो जरूर, हिंदू ध्रुवीकरण भी होगा। हाँ, और वो धर्म ध्रुवीकरण होगा तो फिर उसमें बीजेपी को फायदा हो सकता है। पॉलिटिकल पहले ही हम डिस्क्लेमर दे ही चुके हैं कि एकदम से आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन चूंकि एजुकेशन की बात है और हम सब एक एजुकेशन सिस्टम से जुड़े से बहुत साल रहे उसके बाद निकले, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि ये एक्सक्लूसिव डोमेन जो हम बना देते हैं, जोन बना देते हैं अलग, इस धर्म के लिए, इस जात के लिए स्कूल है, और ये एजुकेशन को सबसे बड़ा नुकसान करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। अब जैसे हम में से बहुत सारे लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, और सरकारी स्कूल में और कुछ भी हो लेकिन एक सबसे बड़ी खासियत थी, कंपल्सन था, सोशल जस्टिस को पूरा करना था, डाइवर्सिटी हमको बहुत यंग एज में ही इनकाउंटर करना पड़ा। अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लड़के लड़कियाँ, उसके चलते जो फॉर्मेटिव एज में आपका इम्प्रेशन कैसे बनता है ये स्कूल में ही तय होता है। और स्कूल में मैक्सिमम कोशिश होनी चाहिए हम सब की, हमारे पेरेंट्स की भी रही होगी, हम एज पेरेंट्स हम सब की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को ऐसे जगह भेजें जहां उनका एक्सपोजर जितने डाइवर्स एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के उनसे हो। उसी के बाद से वो टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है कि हमसे अलग है तो खराब नहीं है ये, और ये फाउंडेशन स्कूल में। इसीलिए मदरसा टाइप एजुकेशन के फॉर्मेट को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, लेकिन वो बैन सॉल्यूशन नहीं हो सकता, अल्टरनेट आपको देना पड़ेगा, ऐसे जगह को बढ़ाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज जब दोनों पक्ष के वकील बहस कर रहे थे तो बाकायदा ये कहा गया, ये जो मदरसे के नाम पर ये इंप्रेशन आता है कि सिर्फ कुरान की पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है। वहाँ विज्ञान पढ़ाया जाता है, वहाँ मैथ्स के टीचर है, वहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, वहाँ विज्ञान को पूछा जाता है कि किस भाषा में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदुस्तानी में पढ़ेंगे, अंग्रेजी में पढ़ेंगे, मतलब आपकी लैंग्वेज क्या होगी। तो मदरसे का मतलब ये नहीं है कि केवल वहाँ बैठ के बच्चे जो हैं हम वो केवल कुरान की नहीं, हम एजुकेशन के कंटेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। आप किसके साथ पढ़ रहे हैं। हाँ, चूँकि हाँ मदरसा, हाँ मदरसा में जनरली कंसीव किया जाता है ना कि ये एक्सक्लूसिवली मुस्लिम जोन है। हमको इससे आपत्ति है। इस तरह के एक्सक्लूसिव जोन किसी भी धर्म के किसी भी जाति के हों वो बच्चे के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है, ये मेरा पॉइंट है। और उसको मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है ये बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है मुझे। हाँ। बड़ा अच्छी बात आपने की, मैं जोड़ दूँ ये तो BHU के छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बहुत से मुस्लिम लड़के पढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरी बेस्ट फ्रेंड जो डॉक्टर दिल्ली में आज दिल्ली के बड़े अस्पताल में AMU से डॉक्टर है, वो AMU से डॉक्टरी की हुई है। तो मेरा ये कहना है कि ये मुसलमान और हिंदू शब्द जोड़ के ना हमें ये दिक्कत, आपने बिल्कुल नहीं कहा, ये डाइवर्सिफिकेशन को रोकता है। नहीं एक चीज़ बस सर, मयंक जी ने बहुत सही बात कही कि मदरसे शब्द आते ही ये दिमाग में आता है कि इसमें मुस्लिम एक्सक्लूसिव उनके लिए है, और ये बात आज सही है। यहाँ तक कि जब अंग्रेज भी इस देश में राज कर रहे थे, यहाँ तक कि हमारे पिताजी तो नहीं, मेरे बड़े पिताजी मतलब कि जिनका जन्म 1925-26 के करीब हुआ था, 25-30 के बीच में, उन लोगों की पढ़ाई मदरसे में ही होती थी। इस देश में सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाने वाले डॉक्टर राम मोहन रॉय थे, और राम मोहन रॉय भी मदरसे में पढ़े थे, मुंशी प्रेमचंद पढ़े थे, राजेंद्र प्रसाद पढ़े थे। क्योंकि ये पूरे परिवेश में उस समय मदरसा धर्म के लिए नहीं था, शिक्षा का तालीम का वही एक स्रोत था। लेकिन आज़ादी के बाद हमारी चीज़ें बदली, गांव-गांव तक इंग्लिश स्कूल गए, और अब नज़रिया में बदलाव के लिए ज़रूरी है कि वो जो कुरान वाली बात हो रही है तो जो रजिस्टर्ड हैं वहाँ पर तो है कि विज्ञान भी पढ़ाओ, गणित भी पढ़ाओ, लेकिन जो नॉन रजिस्टर्ड हैं वो क्या कर रहे हैं और इतनी तेज़ी से कैसे पनप गए, ये एक बड़ा प्रश्न है। नहीं तो कोई ये सवाल नहीं पूछता है कि गली मोहल्ला में अंग्रेजी स्कूल इतनी कैसे पनप गए, इस पे भी तो रोक लगाई नहीं, वो क्या पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है, ये इस पे भी बात होनी नहीं, रिफॉर्म करना है तो एकदम सही, आप सही कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब मदरसा का मतलब आप मदरसा मत लीजिए, कोई भी जब एक धर्म की तरफ इंगित करने वाली शिक्षण व्यवस्था होगी तो जो डाइवर्सिटी की बात मयंक जी कर रहे थे या जो हमारे देश की पहचान है वो टूटेगी नहीं। इस यहाँ पे अपने देश में आप देखिएगा ढेर सारे यूट्यूब पर वीडियो हैं, सिर मुड़ा के वेद पढ़ा रहे हैं, गुरुकुल कहते हैं उसका नाम, वो क्यों चल रहे हैं? वो कहते हैं गुरुकुल में हम गुरुकुल उस वेद पढ़ा रहे हैं वो, और मुंडन करा करके इन सब की भी शिक्षा होती है। तो फिर यदि आप मदरसे, अच्छा चूँकि हम मदरसा गए नहीं है, टू बी फ्रैंक मैं कहूँ कि मुझे कोई अनुभव नहीं है, मैं कभी किसी मदरसा में नहीं गया हूँ, मुझे कोई इल्म नहीं है कि भाई वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है। जो कुछ देखा है हिल के पढ़ते हैं लोग, कदा कुरान पढ़ते हैं, अरबी भाषा में कुरान है तो कुरान पढ़ते हैं, मेरे घर में तो हिंदी में कुरान है। लेकिन इसके अपोजिट आप यदि इसको बैन करते हैं तो उसको भी बैन कीजिए ना, जो गुरुकुल के नाम पे इतने सारे स्कूल खुले। एक चीज़ बोल दूँ, मैंने मदरसा को नज़दीक देखा है। गांव में मेरा जो दरवाज़ा था, सड़क की एक तरफ, दूसरी तरफ मस्जिद थी और मस्जिद में मदरसा था। वहाँ पढ़ने में मैंने कभी किसी को कट्टर होते नहीं देखा, यहाँ तक कि हम खुद मस्जिद से ही पानी भर करके लाते थे अपने दरवाजे पर। अगर हमारे दरवाजे के पास का जो हैंडपम्प ख़राब होता था तो हम मस्जिद से ही पानी लाते थे, मस्जिद में हम नहाते भी थे, तो वहाँ पर वो कट्टरता नहीं थी। लेकिन ये भी सही है कि ये बात आज से 35 साल 30 साल पहले की है। अब हमारा समय बहुत तेजी से खतरनाक तरीके से बदला है, दोनों तरफ से बदला नहीं है, वो उसमें जहर बोया गया है। जिस चापाकल से पानी ला रहे थे ना, उसमें नेताओं ने जहर बोया है, इसलिए इसी जो जहर है इसी का ये हमारा जो टॉपिक है ना वही कि मदरसा जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स पे हम आज बात करना चाह रहे थे। क्योंकि देखिए एक्ट बनाया उत्तर प्रदेश सरकार ने, और सरकार ही अपने एक्ट को डिफेंड नहीं कर पाई हाई कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट मामला आया। इसका मतलब ये है कि सरकार कहीं ना कहीं उस मामले को लेकर उदासीन थी, या उस सरकार की नैरेटिव में या पॉलिटिक्स में वो मुद्दा उनके लिए फेवरेबल नहीं था, इसलिए उन्होंने उस मामले का उतनी मजबूती के साथ पक्ष नहीं रखा जितना रखना चाहिए उनको। ये पॉलिटिक्स से सबको पता है कि भाई मुस्लिम अपीजमेंट की, लेकिन एक बात कही जाती है सर कि 19% की पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, और मुस्लिम अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ बसपा या सपा को ही वोट करती थी या कांग्रेस को, अब वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रही है। बीजेपी भी काफ़ी कोशिश कर रही, मोदी भाईजान का नारा चल रहा है, और पिछले कई साल में हमने देखा है कि 10 सालों में मुस्लिम को अपीज करने के लिए बीजेपी काफ़ी कोशिशें कर रही है। वो उनके विकास की बात करती, चाहे तीन तलाक वाला जो मामला था जब वो लेके आई तो बहुत विरोध हुआ, लेकिन देखा जाए तो महिलाएं उनका समर्थन करती हुई दिखी इस मामले पर, मुस्लिम महिलाएं खासकर। तो आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो मदरसे वाली पॉलिटिक्स है, उससे कहीं आपको डेंट नजर आता है सपा कांग्रेस के पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में? इस एंगल पे अगर आप लोग कुछ बता पाएं तो मैं आपसे सर। मेरे ख्याल से ये वन ऑफ सीरीज ऑफ फैसले हुए हैं, ये तो मोस्टली एकदम टोटली कोर्ट ड्रिवन है। तो सीरीज ऑफ फैसला में कौन क्लिक करेगा? पोलराइज सिचुएशन ऑलरेडी है, इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते कि दोनों तरफ से पोलराइजेशन है। इसमें ये मुद्दा पोलराइजेशन बढ़ा देगा, आई डाउट इट, ऐसा नहीं होगा शायद। ऑनगोइंग पोलराइजेशन में एक लोटा और पानी आ गया तो उस एक लोटे से एकदम से उबाल आ जाएगा, ऐसा नहीं लगता है। कि पॉलिटिक्स पे कम से कम इस इलेक्शन में या अभी कुछ महीनों में तो इसका असर नहीं दिखता है। आपको लगता है इस चुनाव में अभी आपको पोलराइजेशन उत्तर प्रदेश में दिख रहा है? जो पहले 19 के चुनाव में जो था एक तरफा था कि भाई बसपा सपा गठबंधन है, दलित और मुस्लिम वोट एक तरफ गए, ये चुनाव में आपको नजर आ रहा है? क्योंकि इस बार मुझे नहीं नजर आ रहा है कि हम मुस्लिम हिंदू की बात कर रहे हैं, इस बार तो बस 400 और 370 की बात। हाँ, तो इसीलिए ये वेलकम रिलीफ है, इस बार बेटर है। मतलब इस बार कम से कम सरफेस पे नहीं दिख रहा है, सरफेस के अंदर क्या, और हम में से किसी को पता नहीं है सरफेस के अंदर लोगों की क्या फीलिंग है, लेकिन सरफेस पे नहीं दिख रहा है और ये अच्छी बात है। मतलब पोलराइजेशन इलेक्शन के समय में बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है कि मुस्लिम एक साथ एक पार्टी को वोट करते हैं और उसी तरह हिंदू एक साथ किसी एक को वोट करते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है, दोनों साइड से बहुत सारे और कंसिडरेशन होते हैं। हम हो सकता है कि हम सबकी जाति और धर्म एक जैसा हो, लेकिन हम चारों पांचों आदमी अलग अलग वोट करेंगे, ये गारंटी है मेरी। तो इसीलिए मतलब जितने डाइवर्स हम हैं उतने ही डाइवर्स तरीके से हम वोट करते ही हैं। अब ये सोचिए ना, अगर ऐसा नहीं होता तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोज अभी रहा। डेटा के आदमी, रिसर्च के आदमी महेंद्र जी, तो ये जो सेफोलॉजिस्ट होते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान है, अगर 19% मुसलमान है, इसका मतलब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान के हाथ में तय हो जाएगी कि तो कैंडिडेट ही मुसलमान दे देना इधर पे। तो ये क्या होता है? ये सेफोलॉजिस्ट ने तो ये धारणा बना दी है कि सब मुसलमान एक तरफ वोट करते हैं, सब दलित एक तरफ वोट करते हैं, सब हिंदू एक तरफ वोट करते हैं। ऐसा हमको लगता है बहुत बड़ा मिथ है, ये ऐसा होता नहीं है। हाँ नहीं, रियल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है ना। तो दलित, अब जैसे सब कैटेगराइजेशन, अब बिहार से हम आते हैं और बिहार का माइक्रो डिटेल भी पता है तो उसमें बताते हैं। अब दलित जो है, वहाँ का दलित बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है। एक मांझी जी के साथ है, एक पासवान जी के साथ हुआ करता था, कुछ नीतीश जी के साथ हैं, कुछ लालू जी के साथ हैं। तो ये मोनोलिथ की जो हम बात करते हैं कि दलित वोट इसको जाएगा, ये हमको लगता है कि एनालिसिस के लिए तो ठीक है, एक्चुअल सिचुएशन उससे एकदम अलग होता है। बिहार में तो इसलिए सारे एनालिसिस गलत निकलते हैं आजकल। नहीं, बिहार में तो जो पासवान है, पासवान और दुसाध आपस में उनका 36 का पासवान तो नहीं, मांझी मांझी नहीं, वो जो जगजीवन राम जिस जाति से आते थे वो अलग। नहीं, दुसाध जाति है, पासवान टाइटल है, एक चीज एक सदा भी होता है। हाँ, दूसरे हैं वो और मुसहर मांझी हो, मांझी मुसहर और पासवान में नहीं बनती है बिहार में, गांव में उनका झगड़ा रहता है। हाँ देखिए, जो मैं जी ने बोला ना कि इतने लोग बैठे हैं सबको अलग अलग वोट करेगा, तो मुझे अश्विनी के बारे में पता है मयंक जी ये किसको वोट करेगा, ये मैं अब क्यों मैं आपकी बात को मैं सहमति जताते हुए इतना कहना चाह रहा था कि चुनावों में सुप्रीम कोर्ट के आज की इस रूलिंग का, जो कि स्टे लगा रही है, जो कि अगर आप देखेंगे तो कई चैनलों पर ये चलेगा, कई यूट्यूब चैनलों पर, कई जगह चल सकता है, अखबारों में, कि यूपी सरकार को झटका, यूपी सरकार के लिए बड़ा वो हो गया, योगी जी के लिए वो हो गया। लेकिन मैं विचित्र की बात से यहाँ पर 100% सहमत हूँ कि अगर ये पोलराइजेशन इस तरीके से, इस फैसले के बिहाव पर अगर सपा ने या कांग्रेस ने अपने पक्ष में, क्योंकि हम सिर्फ यूपी की बात कर रहे हैं, अपने पक्ष में इस फैसले के बिना पर करने की कोशिश की, तो जो जिस यूपी में 19% मुसलमान हैं और 80% हिंदू है, वो काउंटर पोलराइजेशन होगा। और इस बार यूपी में जो बीजेपी का जो गठबंधन है, उसमें तो जो कथित तौर पर जो जाट पार्टी थी, जो पिछली बार विरोध कर रही थी, वो भी साथ आ चुकी है पश्चिमी यूपी में, जिसमें पहले फेज का चुनाव होना है। मैं जयंत चौधरी की बात कर रहा हूँ, RLD की बात कर रहा हूँ। तो बीजेपी का तो गठबंधन उल्टा मजबूत हुआ है यूपी में, और ये अगर काउंटर पोलराइजेशन इस फैसले की वजह से अखिलेश यादव या राहुल गांधी ने कोशिश की तो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो जाएगा ये। बीजेपी गठबंधन जरूर मजबूत। बाबा एक विचित्र सर आपसे, ये हम यूपी सेंट्रिक बात तो कर रहे थे लेकिन इसमें हाँ इसमें एक चीज़ है जो आसाम को लेकर, क्योंकि आसाम में मदरसा इशू बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश अब छोटा है, उससे बड़ा मदरसा इशू आसाम है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहाँ के जो हैं वो खुद को सबसे बड़ा हिंदू नेता बनाने में लगे हुए हैं। वो उनके शासनकाल में जब वो 20 में शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने कहा कि भाई हम चेंज कर देंगे, जैसे बाबा ने बताया नाम चेंज हुआ। 21 जब उनके मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने जो एड गवर्नमेंट फंडेड वाले थे उनको पहले बंद करना शुरू किया, और जो बचे खुचे हैं उन पर रेड भी गई, एनआईए ने कई जाके रेड्स मारी हैं, कई इलीगल मदरसे बोल के बंद भी किए गए। तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है उससे कहीं कहीं आज वहाँ तक पहुँचेगी इस जो सुप्रीम वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की सरकार जो पॉलिटिक्स कर रही है? देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा 2014 या 15 में कांग्रेस से बीजेपी में आए, तो एक कहावत है कि नया नया मुल्ला कुछ ज़्यादा प्याज खाता है। दूसरी बात इससे आगे ये है कि उनको साबित करना है कि जो आरएसएस से जुड़े लोग या बीजेपी के हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़े लोग हैं वो उनसे ज़्यादा बड़े हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी राजनीति करते हैं। लोधी वंश में एक सिकंदर लोधी शासक हुआ था, सिकंदर लोधी की माँ हिंदू थी और वो खुद ये था, मतलब पिता तो लोधी थे, तो उसको वो ज़्यादा कट्टर निकला हिंदुओं के प्रति, क्योंकि उसको ये दिखाना था कि कोई ये ना समझे कि मेरी माँ हिंदू है तो मैं हिंदुओं के प्रति उदार हूँ। तो मुझे लगता है, मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ कि ये एक राजनीतिक चीज़ें होती हैं जिसमें अपने को ज़्यादा बेहतर तरीके से साबित करने का उनके पास मौका है, और उस मौके का उनको फ़ायदा भी मिला। 5 साल बाद वो मुख्यमंत्री बन गए थे, और आगे अभी आज की तारीख में अगर एक असम जैसे राज्य के मुख्यमंत्री की चर्चा होती है बीजेपी में, जो कि सुदूर, जो कि पहले बहुत नहीं होती थी, तो ये उनकी एक उपलब्धि है। अपने सही है गलत है ये दूसरा विषय होगा, तो इसलिए वहाँ पर हो सकता है कि वो इन चीज़ को और तेज कर सकते हैं। नहीं, और दूसरी बात है कि वो बीजेपी के सक्सेसर जो वो है सेकंड पीढ़ी, उसमें अपने आप को देखते हैं वो, इसलिए तो ऐसा हाँ। अरे बाबा वो इसलिए स्टार कैंपेनर बन चुके हैं अब। नहीं, मैं एक चीज़ बोल दूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में ये जो बात विचित्र जी और बाबा कह रहे हैं इसे तो खैर कोई डिनाई नहीं करेगा कि भाई वो मौके पे चौका मार रहे हैं, सक्सेशन अपने आप को उस पंक्ति में सबसे आगे खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन ये बात भी सच है, जो दिक्कत यूपी में है ना मदरसों को लेके, बॉर्डरिंग एरियाज़ है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, नेपाल से लोग आते हैं, नेपाल का इस्तेमाल बिल्कुल, तो आसाम भी बांग्लादेश लगा हुआ है, और बांग्लादेश में बहुत बड़ी संख्या में, इनफैक्ट बर्मा से आने वाले जो रोहिंग्या हैं वो वाली दिक्कत भी आसाम में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए एनआरसी और सीए वहाँ पर इतना बड़ा मुद्दा बनता है चुनावों में, जो बीजेपी करना चाहती है, और हेमंत बिस्वा शर्मा इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। वो पॉलिटिशियन है, अपनी पार्टी को भी सेट कर दे रहे हैं, अपने सुपर परिवार को भी सेट कर दे रहे हैं, और अपनी राजनीति भी चमका ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये संवेदनशील मुद्दा तो है। मैंने बताया, वाले ही कहा कि यदि 5 लाख अगर हो गए हैं इस देश में, अभी आज नहीं 2006 तक ही मदरसे ज़्यादातर नॉन रजिस्टर्ड हैं, यानी इलीगल हैं। पता मुझे नहीं मालूम इलीगल कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, तो ये तो खतरे की घंटी है ही। कोई भी उस तरह के धार्मिक संस्थान अगर बोले हाँ, तो उस मैं फैक्चुअली एक बात क्लियर कर दूँ इस चर्चा में कि मुसलमान जो हैं वो सब मुसलमान आतंकी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आतंकवादी घटनाएं जो होती है उसमें किसी ना किसी मुसलमान का हाथ सामने आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख रहे हैं, जब से आईसीस हम मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने ज़्यादातर शब्द का इस्तेमाल किया। देश में जो मुसलमानों की आबादी है सबसे अधिक यूपी में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद महाराष्ट्र है, और फिर असम है। असम क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी के मुकाबले उसका 1/10 भी नहीं होगा, पर मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से जाएंगे तो 5वें नंबर पे असम का नंबर आ जाता है। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि वो बांग्लादेश से लगा हुआ इलाका है, और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर वो सब घुसपैठ जैसी चीज़ होती है। आपका समय पूरा हो गया, आप चाहें तो ये बस ख़त्म कर लें, फिर ले लीजिए माइक, ले लीजिए। शेरो शायरी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो अविश्वास की बात होती है ना, वही सबसे खतरनाक है। एक मैं रामायण की बात कहानी सुना कि दर्शकों को फिर से बोल दीजिए कि आखिरी में ही आता है ये, तो आप आखिरी तक देखा करें। हाँ, कि जब भगवान राम के हाथों रावण को अंतिम बाण लगा, जो मृत्यु बाण उसके लिए बना, और वो अपने आखिरी घड़ी गिनने लगा और लक्ष्मण उसके पास गए तो उसने लक्ष्मण से कहा कि राम को बुलाओ। ये एक क्षेपक है। भगवान राम जब पहुँचे तो रावण ने उससे पूछा कि राम, इस युद्ध में हम में और तुम में कोई तुलना नहीं थी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, तुम और तुम्हारे भाई दो थे, मेरे पास पूरी शक्ति थी, तुम्हारे पास सेना के नाम पर बानर भालू रीछ थे, मेरे पास यहाँ पर इतने बड़े सैनिक थे और युद्ध कौशल में महारत सैनिक थे, बानर युद्ध नहीं करते थे उस तरह, तुम्हारे पास धनुष बाण और कुछ गदाएँ थीं, हमारे पास तो एक से बढ़कर एक अमोघ अस्त्र और सब कुछ थे, हमारे पास रथ थे, तुम विरथ थे, हमारे पास सत्ता और शक्ति थी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं थे, तुम तपस्वी थे, फिर भी ये युद्ध तुम जीत गए, मैं हार गया। क्यों हार गए? क्यों मैं हार गया? क्यों तुम जीत गए? भगवान ने कहा कि तुम ही बताओ। तो रावण ने कहा कि ये युद्ध तुम इसलिए जीत गए कि तुम्हारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ खड़ा रहा, मेरा भाई मेरे खिलाफ चला गया। तो जिस तरह राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के दो बेटे थे, उसी तरह हिंदू मुसलमान भारत माता के भी बेटे हैं दो। अगर एक के साथ आप किसी भी किस्म का अभद्रता करेंगे या अविश्वास करेंगे, हो सकता है कुछ लोग उसमें गलत निकलें, वो कहीं निकल सकते हैं, तो फिर हम राम और लक्ष्मण के जो आदर्श है हमारे सामने, हम उसका पालन नहीं करेंगे। बस मुझे यही कहना है। क्या हमारा नेता कैसा हो, जैसा हो। आज की चर्चा बस यही खत्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।